नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। शॉर्ट सर्किट से 108 एम्बुलेंस में आग लगने से एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी में लगी आग को बुझाया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात 12:20 पर 108 एम्बुलेंस मरीज को सेड़ा छोड़कर वापस लौट रही थी। गाड़ी खड़ी करके चालक अनुराग व EMT सत्येंद्र कुमार अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद गाड़ी से एक धमाका होने की आवाज़ आई। चालक व EMT ने जब बाहर देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। उन्होंने पानी से आग को बुझाने का प्रयास किया, फिर आग बुझाने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। उसके बाद वह दौड़कर निकट के पेट्रोल पंप से आग बुझाने वाले बड़े सिलेंडर लेकर आए, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। उसके बाद चालक ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने गाड़ी में लगी आग को बुझाया। तब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत रही कि जो गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था उसने आग नहीं पकड़ी, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। नहटौर से हमारे संवाददाता मोहम्मद फैजान की। आपका नाम? मेरा नाम अनुराग यादव है जी। और हमारी गाड़ी केस में चल रही थी। हम अपने रूम पर आए और उसमें 10 मिनट बाद अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारी गाड़ी में आग लगी। ये किस टाइम की दुर्घटना है सर? ये 12:20 की दुर्घटना है। 12:20 की दुर्घटना है जी। तो इसे बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया? पानी भी यूज किया जी, फायर सिलेंडर भी यूज किया और फिर फायर ब्रिगेड का भी यूज किया। अच्छा, तो इसमें जो ऑक्सीजन जैसे सिलेंडर था वो तो डिस्पोज नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो डिस्पोज नहीं, वो डिस्पोज नहीं हुआ नहीं। ठीक। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।